संस्कृति मॉम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक कप हमने बारीक वाली सूजी ले ली है। सूजी को एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सी के जार में थोड़ा बारीक कर लें। और इस तरीके से हमने सूजी को साइड में कर दिया है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देंगे। हमने छोटी चम्मच से 2-3 चम्मच ऑयल डाल दिया है और हमने थोड़ा सा गरम पानी ले लिया है और हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। यदि आप इसमें सोडा डालना चाहते तो खाने वाला थोड़ा सा सोडा भी डाल सकते हैं। और हमने गरम पानी ले लिया है, थोड़ा सा हम इसमें गरम पानी डाल देंगे। देखो जो हमने नमक और तेल डाला था वो हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है और हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी एकदम से आपको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, नहीं तो जो आपकी सूजी है गीली भी हो सकती है। अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। जब आप इस तरीके से नमक और पानी और तेल एक साथ में डालेंगे तो सूजी में बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। देखो हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ही डाला था। अब हम इसको अच्छे से मसल लेंगे। हमें इसका बहुत अच्छे से आटा लगाकर तैयार कर लेना है। जैसा आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके से आपको सूजी का आटा लगा के तैयार कर लेना है। देखो हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट इसी तरीके से अच्छे से ढककर रख देंगे। 10 मिनट के बाद सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। जो इसमें सूजी में दाने दाने से होते हैं वो दाने भी हमारे अच्छे से खत्म हो चुके हैं। आपको गुनगुने पानी से ही इसका आटा लगाना है, तभी आपके जो गोलगप्पे हैं एकदम बिल्कुल अच्छे फूले फूले बनेंगे। सूजी के गोलगप्पे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। देखो हमने दोबारा से अच्छे से सूजी को हाथों से मसल लिया है। हमें सूजी को इतना मसलना है कि इसमें जो दाने दाने से होते हैं बिल्कुल भी दाने न रहे, और अच्छे से मसल लेना है। जब आप सूजी को अच्छे से मसलेंगे तभी आपके जो गोलगप्पे हैं फूले फूले और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। देखो हमारा आटा अच्छे से लग चुका है। अब हमें इसको रेस्ट नहीं कराना है क्योंकि सूजी को हमने पहले से अच्छे से रेस्ट करा दिया था। सूजी हमारी फूल चुकी है। अब हम इसके गोलगप्पे बनाएंगे। जितनी क्वांटिटी में आप गोलगप्पे बनाना चाहते हैं उतना ही आप सूजी ले लें। और इसकी हमने 2 लोइयां तोड़ ली हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी सी 1 साइज की लोइयां तोड़ेंगे। 1 लोई की हम मोटी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। हमें बहुत ज्यादा पतली रोटी नहीं बेलना है। देखो हमने इसकी मोटी रोटी बेल ली है। अब हम इसकी 1 साइज की लोइयां तोड़ेंगे। एक हमने ढक्कन ले लिया है, ढक्कन से हम इसकी 1 साइज की लोइयां कट कर लेंगे। देखो हमें इतनी मोटी मोटी लोइयां कट करनी है। जब आप किसी ढक्कन से कट करेंगे तो आपकी 1 साइज की लोइयां कट होगी तो आपकी 1 साइज की पानी पूरी बनेगी। 1 कप से आप काफी सारी पानी पूरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखो हमारी इतनी लोई कट हो चुकी हैं। और जो हमारी साइड की सूजी है इसको हम दोबारा से बेल के लोइयां कट कर लेंगे। हमने 1 साइज की लोइयां तोड़कर रख ली हैं और साइड में हमने कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमें इस तरीके की पानी पूरी बना लेनी है। आपको बनाकर नहीं रखना है, धीरे धीरे से आपको बेलते जाना है, तुरंत ही कढ़ाई में डालते जाना है। बहुत अच्छी एकदम बिल्कुल आपकी फूली फूली पानी पूरी बनेगी। देखो हमने इसको थोड़ी लंबे शेप में बनाया है। यदि आप गोल बनाना चाहते हो तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। यदि आप पानी पूरी को पतला बेलोगे तो आपकी जो पानी पूरी है फूलेगी नहीं, चपटी बनेगी, इसलिए आपको थोड़ा मोटा ही रखना है। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल को आपको अच्छे से गर्म करना है और आपको सूजी की पानी पूरी को बेलते जाना है और इसमें डालते जाना है। देखो अपने आप ही देखो कितनी अच्छी फूलतियां आ रही हैं।
बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनकर तैयार हो जाती है। देखो एक साइड से जब ये हमारी फूल चुकी है, इनको हम धीरे से पलट देंगे। कितनी अच्छी हमारी फूली फूली पानी पूरी बन रही है। देखो हमारी पानी पूरी अच्छे से सिक चुकी है, इनको हम निकाल लेंगे। एक भी आपकी चपटी पानी पूरी नहीं बनेगी। जब आप इस तरीके से बनाएंगे, सारी आपकी पानी पूरी फूली फूली ही बनेगी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। आपको बेलते जाना है, तुरंत ही कढ़ाई में डालते जाना है। आपकी एकदम बिल्कुल फूली फूली पानी पूरी बनकर तैयार होगी। यदि आपकी पानी पूरी बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी तो देखो फूलेगी नहीं। हमारी बिल्कुल पतली थी तो फूली भी नहीं है। आपको थोड़ी मोटी पानी पूरी बनानी है। एक साइड से आपको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लेना है, एक साइड आपको कम सेंकना है। जब आपकी ये पानी पूरी गर्म होगी तो थोड़ी नरम होगी, जब आपकी ठंडी हो जाएगी तो बहुत अच्छी एकदम बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। देखो हमारे कितने अच्छे क्रिस्पी फूली फूली गोलगप्पा बने हैं। इतने गोलगप्पा में सिर्फ हमारे दो गोलगप्पा ऐसे हैं जो फूले नहीं हैं। एक थोड़ा पतला हो गया था, एक बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। आपको इस तरीके की गलती नहीं करनी है। और देखो सारे हमारे गोलगप्पा अच्छे से फूले हैं। आप भी इसी तरीके से होली के त्योहार के लिए पहले से गोलगप्पा बनाकर रख लें। जब भी आपका मन हो गोलगप्पे खाने का तो आलू का मसाला बना के और पानी बना ले, तुरंत इस गोलगप्पे को खा सकते हैं। देखो आप सूजी के गोलगप्पे बनाकर होली से पहले रख लें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। जब आपके गोलगप्पे थोड़ी गर्म होंगे तो आपको लगेगा कि यह हमारे गोलगप्पे नरम हैं, और जब ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी गोलगप्पे बनेंगे। देखो कितने अच्छे बिल्कुल मुलायम एकदम बिल्कुल कुरकुरे गोलगप्पे बने हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरीके के गोलगप्पे आप पहले से बनाकर रख लें और जब मन हो आपका तुरंत ही पानी बना लें और आलू का मसाला बना लें, भर के खा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।